हेलो एवरीवन, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। और जैसे कि पता है आपको कि शाम को 8:30 बजे डेली मैथमेटिक्स की सीरीज चलती है, और ये आपके लिए एक बेहतर तैयारी के लिए बेहतर विकल्प है बुद्धा संस्थान। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ डेली मैथमेटिक्स के नए नए सवाल के लिए, नए नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो अब बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो सवाल कराए थे वो हमने 120 सवाल करा दिए थे, आज 121 से सवाल करते हैं। और देखिए, ऐसे जो सवाल हैं ये ज़्यादातर पहले जो पूछे जाते थे, अब से 3-4 साल पहले जो सवाल पूछे जाते थे तो वो ज़्यादातर मेंस में ही आते थे ऐसे, पर अब प्री में भी आने लगे, और उसके बाद एक दो सवाल यूपी पुलिस में भी देखने को मिले। अब जो दिन पे दिन चीज़ें बदलती जा रही हैं तो अब सवाल भी बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, वो कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेचता, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तो 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 75/4% का लाभ हुआ होता। ये दो 6 रुपये अधिक पर बेचा हुआ है। रुपयों की जो बात आती है उसको अंडरलाइन कर लेना सबसे पहले, इसकी बात करेंगे बाद में। तो उसने कहा एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता, अगर ये मानो कि अगर CP 100 था तो 10% का लाभ लेकर उसने बेच दिया कितने में जी, 110 रुपये में। इसका मतलब 100 रुपये का माल उसने 110 में बेच दिया। अब बात आई है कि उसने 4% कम पर खरीदा होता, इसका मतलब 100 की जगह अगर वो 96 में खरीदता तो उसे 75/4% का लाभ होता। इसका मतलब 96 का 75/4%, तो हम परसेंट हटाने के लिए बटे 100। अब देखिए क्या करेंगे जी, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 × 16 = 96, और 6 × 3 कितना आया जी, 18। इसका मतलब 18 का फायदा हुआ। जब वो 4% कम पर खरीदता है, इसका मतलब 96 रुपये में खरीदता है, तो उसे 96 का 75/4% कितना आ जाएगा, 18। इसका मतलब फिर बेचा कितने में जी, 114 रुपये में बेचा। अब पहले के मुकाबले कितने अधिक में बेचा जी, 4 रुपये में। पहले के मुकाबले कितने में बेचा जी, 4 रुपये अधिक में बेचा, जबकि वो कितना कह रहा है जी, 6 रुपये अधिक में बेचा। यहाँ पर कितना, 6 रुपये अधिक में बेचा, यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग 4 रुपये, उसके अकॉर्डिंग 6 रुपये। ठीक है, अब एक बात समझिए कि एक बराबर ये किसका जी, 1.5 गुना। अगर 4 का 1.5 गुना कितना, 6 है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्रिया मूल्य, तो हमें निकालनी है 100 की बात, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा जी, 150। इसका मतलब 150 क्या आया जी, 150 हो गया उस वस्तु का क्रिया मूल्य। देखिए 100 रुपये का सामान उसने 10 के लाभ के साथ 110 में बेच दिया, 110 रुपये में बेच दिया। उसके बाद वो कह रहा है 4% कम में खरीदा था, इसका मतलब 100 की जगह 96 में खरीदा। जब 96 में खरीदा तो 96 का ये 75 से 3/4% कितना है, 18 का फायदा हुआ, तो ये कितना आया जी, 114 में बेच दिया। जब 114 में बेच दिया, 114 में बेच दिया, तो पहले के मुकाबले जो विक्रय मूल्य है, पहले जो था वो 110 था, अब की बार 114, 4 रुपये अधिक में बेचा, जबकि वो कह रहा है 6 रुपये अधिक में बेचा, तो 4 बराबर 6 के 1 बराबर 1.5 गुना, तो 100 की बात कर रहा। ठीक है, उसके बाद आइए 122। देखो 122 में क्या, फिर ऐसा ही सवाल है। देखिए वो कह रहा है एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, यदि उसने 10% कम पर खरीदी होती, 2 रुपये कम पर बेचा होता, 2 रुपये कम पर बेचा होता, इसे अंडरलाइन, तो उसे 50/3% का लाभ होता, उसे 50/3% का लाभ होता। ऐसा समझिए, यदि CP माने कि 100 रुपये का सामान था, फिर ऐसे ही 100 रुपये का सामान था, उसने 10% के लाभ पर बेचा जी, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110। अब समझना बात को, ठीक है, 110 विक्रय मूल्य हो गया। वो कह रहे यदि वो 10% कम पर खरीदा होता, इसका मतलब 100 की जगह वो 90 में खरीदा होता, तो लाभ कितना होता जी, इसको अंडरलाइन कर लिए क्योंकि रुपयों की बात कर रहा। वो कह रहा 50/3% का लाभ होता। अब ये देखिए जो 90 आया, तो 90 का 50/3% कितना आएगा निकल गया, परसेंट हटाने के लिए जी, बटे 100। देखिए 1, 2, 1 और 2, 3, 3, 9, तो इसका मतलब 15 आया। इसका मतलब 15 रुपये उसे लाभ मिला अब की बार। पहले जो मिल रहा था 100 रुपये, 10% मिल रहा था 10 रुपये, अब की बार उसने कहा कि अगर 10% कम में खरीदा जाता, इसका मतलब 100 की जगह वो 90 में खरीदता, तो उसे 50/3% का लाभ होता। इसका मतलब 90 का 50/3% कितना आया, 15। तो इसका मतलब बेचा कितने में जी, उसने बेचा जी 105 में, तो इसका मतलब पहले के मुकाबले कितना कम मिला, पहले के मुकाबले 5 कम मिला, जबकि वो कितना कह रहा है जी, 2 कम मिला। बात समझ में आ गई होगी।
हमारे ये आ रहा है यहाँ पे विक्रय मूल्य 110 में पहले बेचा, 105 में अब, इसका मतलब 5 रुपये कम मिला, जबकि वो कह रहा है सवाल में 2 रुपये कम पर बेचा। तो 100 की वैल्यू निकालनी, 1/2/5 और गुणा 100। 100 क्यों? क्योंकि वो वस्तु का क्रिया मूल्य पूछ रहा, तो क्रिया मूल्य 100 हमने माना है। तो कितना हो जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे जी, ये हो जाएगा 20 और 20 × 2 = 40। इसका मतलब 40 रुपये क्या निकल कर आया जी, उस वस्तु का क्रिया मूल्य निकल कर आया, उस वस्तु का जी क्रिया मूल्य निकल कर आया। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता को 10% के लाभ पर बेचता, मानी जो उसका क्रिया मूल्य जो था वो 100 था, वो 10% का लाभ लेकर 110 में बेच दिया और उसने 10% कम पर खरीदा, इसका मतलब 100 के जगह 90 में वो खरीदता तो उसको 50/3% का लाभ होता, इसका मतलब 90 का 15% कितना जी, मतलब 50/3% 15, तो बेचा कितने में जी, 105 में, इसका मतलब 5 कम में बेचा पहले के मुकाबले, जबकि वो करा वो 2 कम में, तो 1/2/5 तो 100 का मान, ठीक है, तो कितना आ गया 40 रुपये। ऐसे सवाल शायद 2-3 लिए गए। 123 में क्या जी, देखो फिर ऐसा ही सवाल है, देखिए वो कह रहा है एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, कहने का मतलब ये, यदि सीपी 100 रुपये माने हम, उसका क्रिया मूल्य 100 था, तो 15% के लाभ पर तो 115 में बेचा होगा, ठीक है, 115 में बेचा। अब उसने कहा यदि 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, इसका मतलब पहले 100 में खरीद रहे थे, तो अब की बार 25% कम 75 में खरीदा, तो 600 रुपये कम में बेचा जाता, 600 रुपये कम में बेचा था, 600 रुपये अंडरलाइन कर लिए, 600 रुपये कम में बेचा जाता, इसको अंडरलाइन किया, और 32% का लाभ होता, 32% का लाभ होता, इसका मतलब क्या जी, इस 75 का 32% निकालिए पहले, 75 का 32% जो हम यहाँ पर करेंगे कि जी 75 × 32/100, तो देखिए कितना आएगा, 25 × 75, 25 × 100 और 4 से जब 32 काटेंगे 8 बार, इसका मतलब 8 × 3 = 24, तो यहाँ पर क्या हुआ जी, 24 का फायदा मिला, 24 का फायदा लेकर कितने में बेचा गया सामान को, ये देखिए 5 और 4 जी 9 हो जाएगा और 7 और 2 = 9 हो गया, इसका मतलब पहले के मुकाबले अब कितने कम में बेचा गया, 16 में, जबकि वो कितना में कह रहा जी, वो कह रहा 600 रुपये कम में बेचा गया, इसका मतलब 16/600 के, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें किसका मान निकालना, वो 100 का मान निकालना सीपी का, तो हम कह सकते हैं 1/2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा जी, 600 बटे हो जाएगा जी, हम कर देंगे 16 और गुणा 100, क्योंकि सीपी 100 था। अब ये देखिए अगर हम इसको काटते हैं, देखो 4 से 4 बार और 4 से 25 बार और यहाँ से कितना आएगा, 4 से 15 बार, ये आया जी 150 × 25, देखो 25 और 15 की जब आप गुणा करोगे तो 375 आता, देखो 25 × 5 = 125, कितना आया जी 12 और 25 × 1 = 25 और 12 = 37 और 10, ये इसका मतलब 3750 जो थी वो क्या था जी, उसका क्रिया मूल्य था, 3750 क्या था जी, क्रिया मूल्य था। एक व्यक्ति ने कोई घोड़ा 15% के लाभ पर बेच रहा था, 100 रुपये का सामान था, घोड़ा 100 रुपये का घोड़ा माना हमने और 15% लाभ लेकर 115 में बेच दिया, उसने कहा कि अब की बार 25% कम पर खरीदता, वो 100 की जगह 75 में खरीदता, जब 100 की जगह 75 में खरीदता तो उसे 32% का लाभ होता, इसका मतलब 24 रुपये का लाभ हुआ, तो उसने कितने में बेच दिया जी, 99 में, तो हम कह सकते हैं कि जी 16 कम, पहले के मुकाबले 16 रुपये कम मिले, जबकि वो कह रहा 600 रुपये कम में बेचा जाता, तो 16/600 के 1/600/16 और गुणा 100, गुणा 100 किस लिए जी, क्योंकि उसका सीपी पूछा गया, ठीक है। उसके बाद 124 पर आइए, देखिए फिर ऐसा ही सवाल है, ऐसे सवाल देखिए वो कह रहा है एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता, अब समझना अगर 100 रुपये उसका सीपी होता तो 16% लाभ लेके कितने में बेच दिया, 116 में, इसका मतलब ये था स्टार्टिंग में सीपी। अब वो कह रहा है यदि 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ मिलता, देखिए इसको तो सिंपल ही लगा लेंगे क्योंकि अलग टेक्निक आ गई, वो कह रहा है 16% लाभ पर बेचा जा रहा, जब 16% लाभ पर बेचा जा रहा, ये कह रहा है यदि उसको 200 रुपये अधिक में बेचा जाता, 200 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, इसका मतलब पहले 16% का लाभ हो रहा था, अब 20% का हुआ, तो फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा जी जो 200 रुपये थे, इस 200 रुपये की वजह से ये जो इन दोनों के बीच में जो 4% का अंतर है वो आ गया, पहले जहाँ 16% का लाभ हो रहा था, 200 रुपये अधिक में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा, तो इसका मतलब 4% = हम किसके कर देंगे, 200 के, तो यहाँ से 1% का मान जो आया वो कितना आया जी 50 के, तो हम कर देंगे 100%, जब 100% बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 5000 के, तो कहने का मतलब उसका जो जो उस क्रिया मूल्य था वो कितना था जी
5,000 था। देखिए पहले 16% के लाभ पर बेचा जा रहा था, 200 रुपये अधिक में बेचा तो वो 20% हो गया लाभ, इसका मतलब 4% बढ़ गया। 4% किसकी वजह से बढ़ा जी, 200 रुपये की वजह से। 1% का मान 50, तो 100% का मान कितना हो जाएगा जी, 500। उसके बाद आइए 125। देखिए 125 में क्या, देखिए एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, कोई व्यक्ति था उसने कोई वस्तु को जो है 20% की हानि पर बेच रहा था, यदि वह 50 रुपये अधिक में बेचता तो वो 5% का लाभ ले लेता। इसका मतलब देखो, जो 50 रुपये अधिक मिले, जो 50 रुपये अधिक में बेचा गया, इस 50 रुपये की फर्क की वजह से फ़र्क क्या पड़ा, जो उसे 20% की हानि हो रही थी उसने उसकी भी पूर्ति कर ली और 5% का एक्स्ट्रा लाभ भी ले लिया। तो इसका मतलब इसका जो फ़र्क पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि 25% किसके बराबर हुआ जी, 50 के। 25% किसके बराबर हुआ, 50 के। तो यहाँ से हम कह देंगे 1% 50 और 100%। 100% किस लिए, क्योंकि वो 100% पूछ रहा है उसका क्रिया मूल्य क्या है। तो 200 रुपये क्या हो जाएगा जी, उसका क्रिया मूल्य हो जाएगा, 200 रुपये क्या हो गया जी, इसका क्रिया मूल्य। देखो कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जा रही थी, पहले उसे 20% की हानि हो रही थी, फिर उसने 50 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 5% का लाभ हुआ। जब 5% का लाभ हुआ तो इन दोनों को जोड़ दिए, कहने का मतलब 50 रुपये की वजह से फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा जो उसको 20% की हानि हो रही थी उसने उसकी पूर्ति कर ली और उसके बाद 5% का लाभ और एक्स्ट्रा ले लिया। इसका मतलब 25% का फ़र्क डाल दिया किसने जी, 50 रुपये ने। 1% 2 के, 100% किसके जी, 200 के। उसके बाद आइए 126। देखिए 126 में क्या है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता, यदि वह उन्हीं आम को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है, तब प्रथम स्थिति के अनुसार यह काम का विक्रय मूल्य है। मतलब प्रथम जो पहले जो काम में जो पहले वाली स्थिति में उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा। देखो पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, अब उसने 1 रुपये क्या है कि उन्हीं आम को 1 रुपये प्रति कीमत बढ़ा दिया, 1 रुपये प्रति कीमत बढ़ाया गया तो लाभ हो गया जी 40%। लाभ क्या हो गया 40%, इसका मतलब जी 20% का लाभ बढ़ गया किसकी वजह से, इस 1 रुपये की वजह से, इस 1 रुपये की वजह से लाभ बढ़ गया। अगर वो पूछता कि क्रिया मूल्य बताइए यहाँ पर, तो क्रिया मूल्य के लिए हम क्या करते, 100% 20 × 100, तो हम कह देते कि 5 रुपये क्या आ जी उसका CP है, 5 रुपये क्या आ जी CP है। पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि प्रथम स्थिति के अनुसार काम का विक्रय मूल्य, इसका मतलब यदि 20% 1 के बराबर है तो विक्रय मूल्य क्या है जी, पहले जो बेच रहा था, अगर प्रारंभिक स्थिति में विक्रय मूल्य की बात की जाए तो पहले 20% का लाभ लेकर बेच रहा था, इसका मतलब अगर 100% क्रय मूल्य था तो 20% लाभ लेकर कितने बेचेंगे, 120%। जब 20% का मान किसके बराबर है जी, 20% 1 के बराबर है, तो 120% इसका 6 गुना, इसका मतलब 6 रुपये हो जाएगा जी पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य। तो SP1 कर दिया, SP1। अगर यहीं पर वो पूछता कि भाई दूसरी स्थिति में बताइए, दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते 20% बराबर 1 के, तो यहीं पर हम कर देते जी 140%। तो हम किसके बराबर कर देते, यहीं से हम लिख देते 140% बराबर किसके जी, 7 रुपये के। बात सुन भाई ना, ये दोनों कंडीशन में अलग अलग जो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य आए निकलकर, पर वो पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा जी प्रथम स्थिति के अनुसार विक्रय मूल्य। तो आपको ये सारी कोई चीज़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20% बराबर 1 के, तो हम सीधा कर देंगे 120% किसके बराबर जी, 6 रुपये के बराबर। इसका मतलब 6 रुपये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य हो गया, 6 रुपये क्या हो गया जी उसका विक्रय मूल्य हो गया। बस समझ भाई, उसके बाद आइए जी 127। देखिए 127 में क्या, देखो फिर ऐसा ही सवाल, 127 में एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। ऐसा समझो यदि CP उसका 100 रुपये है तो 10% का लाभ लेकर उसने कितने में बेच दिया जी, 110 रुपये में बेच दिया। अब यदि वह साइकिल 10% की कम कीमत पर खरीदता, जब खरीदता 10% कम कीमत पर, तो इसका मतलब 90 रुपये में खरीदता, उसके बाद उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता, तो पहले विक्रय मूल्य तो पता हो किस, पहले के मुकाबले पहले कितना था विक्रय मूल्य, 110, तो नया विक्रय मूल्य भी पता हो जब ही तो हम देखेंगे, तो 25% का लाभ हो जाता, उसे 25% का लाभ हो जाता। तो इसका 25% यदि हम यहाँ पर लेते हैं, 25%
कि उसने वह साइकिल कितने कम कीमत पर खरीदी, 10%, तो 90 का 25% जब हम 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 1 बचा जी, और 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, इसका मतलब कितने का फायदा, इसका मतलब उसने बेचा जी 112.5 रुपये में बेचा, 112.5, क्योंकि अगर हम इसको दोनों को जोड़ेंगे 90 और 22.5 को 112.5 आया। तो कहने का मतलब ये आया, देखिए तो पहले के मुकाबले उसे लाभ कितना अधिक मिला, इसका मतलब इसे जो लाभ मिला जी 2.5 रुपये अधिक मिला, जबकि वो कह रहा जी 60 रुपये अधिक में बेचा, जब 60 रुपये अधिक में बेचा, अब यहीं से हमें 100% का मान निकालना, यहीं से 100% का मान निकालना। एक बात ध्यान से समझो, इस पॉइंट को हटा के 0 यहाँ लगा देता हूँ, तो अब हमें 25 = 6 हो गए, तो इसका मतलब 100% का वैल्यू निकालना, तो 25 × 6 = 24, तो हम कह सकते हैं 2400 रुपये उसका क्या था जी, 2400 रुपये आया जी निकल के उसका क्रिया मूल्य। एक बार फिर से समझिए, 100 रुपये टोटल लागत मूल्य थी, तो उसने 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 110 रुपये में बेच दिया, वो कह रहा 10% कम में खरीदता, इसका मतलब 100 kg के 90 में खरीदता, तो 25% का लाभ होता, 90 का 25% 22.5, तो बेचा कितने में जी, 112.5 में, ठीक है। तो इसका मतलब पहले के मुकाबले अब कितने रुपये अधिक में बेचा, हमारे अकॉर्डिंग 2.5 के, जबकि सवाल में कह रहा 60 रुपये अधिक पर बेचता, तो बराबर 60 के पॉइंट हटाएंगे 0, 25 = 600 के 100 = सीधा 25 × 100, और 600 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, इसका मतलब 2400 में बेच दिया, तो वो क्या आया जी इसका सीपी निकल कर। उसके बाद आइए देखिए, देखो वो कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसकी उसकी बकरी उसके ये है जी विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, इसका मतलब यदि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये था, ऐसा मान लेते हैं 100 रुपये, तो उसका जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना जी 80%, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सीपी 80, इसका मतलब 80 रुपये हो गया, क्योंकि 80% की बात की है, तो ये कह रहा तो लाभ होगा, इसका मतलब जी 80 रुपये का सामान 100 में बेच दिया, तो 20 का लाभ होएगा, 20 का लाभ हम किस पर लेंगे, 80 पर लेंगे, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, तो हम कर देंगे 20 × 80, और 4 से जब 100 को काटेंगे तो ये कितना आएगा 25, इसका मतलब 25% का क्या हो गया जी प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। उसने कहा कि कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य का कितना जी, विक्रय मूल्य का कितना जी, वो कह रहा कि 80%, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80%, इसका मतलब 80 रुपये, तो ये कितना आया निकल गया, इसका मतलब 80 आया, इसका मतलब उसने 80 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 100 में बेच दिया, तो यहाँ पर कितना आया 20 का फायदा हुआ, 20 का फायदा जो हुआ वो 80 पर हुआ, इसका मतलब 20/80 और गुणा 100, इसका मतलब 20 × 80 जब काटेंगे तो 25% आ गया, आसान सा सवाल है जहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 129 में क्या, देखिए अब क्या, किसी वस्तु क्रय मूल्य उसके बिक्री मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य जो है उसके बिक्री मूल्य के लिए 80% है, और 12% का 1/2 देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब पहले 2 मिनट आप मेरी बात समझो कि देखो जो भी एमआरपी होता या अंकित मूल्य होता लिखा हुआ, आपने देखा होगा अंकित मूल्य भी आएगा कहीं कहीं लिखा हुआ, या बाजार मूल्य आएगा कहीं कहीं लिखा हुआ बाजार मूल्य, या आपको लिखा आएगा जी खुदरा मूल्य, जब ये सारी चीज़ें लिखी आएंगी तो वहाँ पर जो ये जो डिस्काउंट दिया जाता इसका मतलब बट्टा वो इस वाले रेट पर दिया जाता। और मैंने बताया था कि जो लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा सीपी पर देखते हैं, सीपी पर क्या जी लाभ और हानि हम सीपी पर निकालते हैं, जबकि डिस्काउंट जो देंगे हम किस पर देंगे, वो अंकित मूल्य पर देंगे, या बाजार मूल्य आए या खुदरा मूल्य आए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए सवाल में क्या क्या, किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य बिक्री मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, इसका मतलब उसने कहा कि अंकित मूल्य का, इसका मतलब यदि हम ये कहें कि एमआरपी 100 रुपये है तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सीपी 80%, इसका मतलब 80 रुपये हो गया। अब उसने कही कि 12% का बट्टा दे दिया जाता, इसका मतलब जो एमआरपी था, जो अंकित मूल्य था, उस पर 12% का बट्टा दे दिया, इसका मतलब 12% का डिस्काउंट दे दिया जी,
डिस्काउंट, जब 100 रुपये में 12% का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितना गया 88 में, तो हम कह सकते हैं तो विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो गया 88 हो गया। बस सुनवाई, जब सी पी 80 रुपये है और बेचा कितने में गया जी 88 में, तो इसका मतलब 8 का फायदा होएगा किस पर, बटे 80 और गुणा 100, तो 10 से 10 8 से 8, इसका मतलब 10% का क्या हो गया जी फायदा हो गया, 10% का क्या हुआ फायदा हुआ। बस सुनवाई ना कि भाई 100 रुपये अगर अंकित मूल्य था तो उसका, उसने कहा क्रय मूल्य जो उसका 80% है, इसका मतलब 80 रुपये, और ये कह रहा कि इस पर डिस्काउंट देता 12%, तो 12% का डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पर, तो बेचा कितने में 88 में, इसका मतलब 80 रुपये का सामान 88 में बेच दिया, 8 का फायदा हुआ किस पर भी 80 पर, और गुणा 100, इसका मतलब 10% का क्या हुआ जी फायदा हुआ। ठीक है, उसके बाद आइए जी 130 देखो, ऐसे सवाल जब भी आए ये एक तरीके से माइंड में फिक्स रखना कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 में बेची और उसका लागत, उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली, तो सीपी का लागत मूल्य कितना है। अब चीजें देखो, इसका मतलब ये जो आया विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य कितना आया 75 आया, ये कब आया, ये तब आया जैसे अगर कोई भी उसने कहा सीपी, अगर हम कुछ भी माने कि सीपी एक्स है तो उसे एक्स, तो उसका सीपी था और x का ही x परसेंट उसका प्रॉफिट हो गया, x का x परसेंट उसको प्रॉफिट मिलकर तब 75 आया। बस सुन माई ना, तो पर आपको ऐसे नहीं करनी क्योंकि द्विघात समीकरण चली जाएगी, इधर लिखे देता हूँ ये, अगर सी पी एक्स होता तो क्या है कि x प्लस लाभ मिलकर 75 में बेचा, 75 क्या है जी जो भी x है उसका भी x परसेंट इसमें, तो ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से करने हैं। ऑप्शन से कैसे, अब ये देखिए कोई और एक ऑप्शन ऐसा देखिए जिसका उतने ही परसेंट जोड़ने के बाद, जिसका उतने ही परसेंट जोड़ने के बाद क्या 75 है, अगर हम ये कहें 40 है तो 40 का 40% जी 16, 40 का 40% 16 तो कितने में बेचा गया 56, तो इसका मतलब वो कह रहा विक्रय मूल्य 75 है, तो 45% जब हम निकालेंगे तो तब भी 75 नहीं आएगा, 50 का 50%, जब हम 50 का 50% निकालेंगे तो जी 25 आएगा और 75 में वो बेच दिया जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया जी, ठीक हमारा ऑप्शन जो हो गया 50, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य कब आया जी, अगर कोई 50 रुपये का सामान है तो 50 का 50% का ही फायदा हुआ, इसका मतलब 50 का 50% 25 का फायदा, तो तब 75 में बेची गई थी, तब 75 में बेची गई थी, इसका मतलब क्या आया, तो हमारा जो 50 जो आंसर है वो ठीक है, जबकि वो एक्स नहीं लगाना, जब भी ये कहेगी इतने का लाभ होता जितने की वो वस्तु थी, ऐसा सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 75 दी, 75 कब आया जब 50 पर 50% जोड़ा गया, जब 50 पर 50%, इसका मतलब 50 रुपये का सामान था और 50 का 50% 25, तो 75 में जोड़ दिया गया। उसके बाद 131 पर आइए, देखिए सवाल अच्छा 131, वो कह रहा योगिता ने श्यामला को, योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर, यहाँ पर जी अभिलाभ, अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा जी योगिता ने, इसका मतलब योगिता थी जी, योगिता ने ये मानो कि 100 रुपये उसकी कीमत थी और 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर इसका मतलब 120 में किसको दे दिया जी, 120 में श्यामला को दे दिया, इसका मतलब श्यामला एस बना दिया। अब श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर, इसका मतलब श्यामला ने भी 10% का लाभ, 120 का 10% जी 12, तो ये कितना आया जी 132, 132 का किसको बेच दिया जी दीपा को। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा, दीपा ने उसके लिए 33,000 रुपये दिए, इसका मतलब वो दीपा ने कितने दिए हमारे अकॉर्डिंग 132, जब वो कह रहा 33,000 रुपये दिए तो 33,000 के, अब एक बात समझो देखो, 33 चौका कितने होते हैं 132, 33 चौका 132 और 104 इधर आएगा, 4 से ये कितनी बार जाएगा 25 बार, इसका मतलब ये जो सीधा जा रहा है अब ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर चला गया, ये चला गया जी 250 बार, ये किसके बराबर चला गया 132 से 33,000 250 बार, तो वो पूछ रहा कि 100 का मान, क्योंकि योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत, इसका मतलब 100 बराबर कितना आ जाएगा 25,000 रुपये, ये कितना आ गया जी 25,000 रुपये, इसका मतलब लागत मूल्य क्या होगी 25,000, योगिता ने ऐसा माने, योगिता ने कोई क्या है ये,
प्लाज्मा टीवी था, प्लाज्मा टीवी की लागत ये मानव योगिता ने 100 रुपये में लिया, 100 पे 20% का लाभ लेके 120 में दूसरे को बेच दिया श्यामला को, श्यामला ने भी उस पर 10% का लाभ लिया, 120 का 10% 12, और 132 में किसको बेच दिया जी, दीपा को, दीपा ने कितने दिए जी 132 दिए, जबकि वो करा 33,000, तो देखो 33 चौका 132, 4 से 1,000 को 250 बार 250 गुना, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा 25,000 का, ठीक है। उसके बाद आइए जी 132, देखिए 132 में क्या है, देखिए वो कह रहा है कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, अगर कोई वस्तु पहले 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। अब ये देखो, देखो 200 रुपये लागत थी, उस पर 10% की हानि के साथ बेचा गया, इसका मतलब 20 रुपये की हानि के साथ बेचा गया, तो कितने में बेचा गया जी, 180 रुपये में बेचा गया, ठीक है। अब जब 180 में बेचा गया तो वो कह रहा है इस कीमत का 5% और कम कर दिया जाए, इसका मतलब इस 180 का 5%, 180 का 10% जी मैंने बताया, 1 जीरो कम करनी है 18, तो 5% 9, तो 9 रुपये और कम कर देंगे तो कितने में बेचेंगे जी, 171 रुपये में, तो 171 क्या आ गया जी, हमारा नया विक्रय मूल्य आया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, कहने का मतलब ये कि पहले 200 रुपये का सामान था, 20% की हानि के साथ बेचा, कितने 180 में, फिर उसको 5% और कम कर दिया, इसका मतलब कितने में बेचा गया जी, वो 171 रुपये में बेचा गया, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, और आज सवाल इतने ही कराए गए, और भी कुछ सवाल बचे हैं जो 2-3 क्लासों में हो जाएंगे, ठीक है। आपको मानना है कि बेहतर समझ में आ रहा होगा, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास के लिए यहीं समाप्त है, ठीक है। जय हिंद।